वेलकम बैक दोस्तों। शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता के लिए यह यूट्यूब चैनल बनाया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का 6/3/2021 को डिस्पैच हुआ लेटर, जिसमें प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह बताया था, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाएँ 2021 के लिए जारी किए गए ब्लूप्रिंट के संबंध में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। इसके उपरांत संशोधित ब्लूप्रिंट 9 मार्च 2021 को जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार दिनांक 9 मार्च 2021 मंगलवार को ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। आज की वीडियो में हमने लिया है कक्षा 12वीं। अभी आप देख पा रहे हैं कक्षा 12वीं का ब्लूप्रिंट, जो कि हिंदी विशिष्ट विषय का है। ब्लूप्रिंट में दोस्तों जो रिड्यूस सिलेबस है वह भी दिया गया है। अभी आप देख पा रहे हैं हिंदी विशिष्ट का, और अभी हिंदी विशिष्ट का रिड्यूस सिलेबस, जो कि सिलेबस कम कर दिया गया कोविड-19 के इफ़ेक्ट के कारण, बच्चों के स्कूल नहीं लग पाए हैं उसके कारण। तो आप वीडियो पूरा देख लेंगे, वीडियो को पुश करके भी आप लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं 12वीं विषय का अंग्रेजी सामान्य, अंग्रेजी सामान्य का जो कि ब्लूप्रिंट है 9/3/2021 के अनुसार। उसके बाद फिर अभी आप देख पा रहे हैं 12वीं अंग्रेजी सामान्य में जो विषय वस्तु कम की गई है उसका। इसके पश्चात दोस्तों आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडी कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट का विषय है, इसका ब्लूप्रिंट अभी आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर बिजनेस स्टडी में जो सिलेबस कम किया गया है, जो पाठ्य वस्तु कम की गई है, अभी आप स्क्रीन पर यह देख रहे हैं, इसमें भाग एक और भाग दो बताया गया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग इकाई में सिलेबस कम किया गया है, उसकी सूची आप देख रहे हैं अभी। उसके बाद फिर आता है कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, लेखा शास्त्र, उसका सिलेबस देख रहे हैं अभी, जो रिड्यूस होकर आया है। उसके बाद फिर अभी आप सिलेबस पूरा देख लेंगे। उसके पश्चात फिर जो लेखा शास्त्र में जो रिड्यूस किया गया है सिलेबस, उसकी डिटेल देख लेंगे। इस तरीके से यह जो भी सिलेबस कम हुआ है, सिलेबस की जानकारी है। जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तथा इसके बाद आता है अर्थशास्त्र विषय, जो कि अर्थशास्त्र विषय के लिए मैं एक जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। अब अर्थशास्त्र विषय में क्या होगा, 8 सब्जेक्ट के छात्र और कॉमर्स सब्जेक्ट के छात्र दोनों के लिए सेम पेपर आएगा अर्थशास्त्र, और उनकी बुक भी सेम है। तो ये उनका रिड्यूस सिलेबस। इस तरीके से आप यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।